गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग डियर बच्चों. गुड मॉर्निंग सर. एम आई ऑडिबल और नो? कोई रिप्लाई नहीं है. गुड मॉर्निंग. थैंक यू. थैंक्स फॉर रिप्लाइंग. ओके तो धीरे धीरे आ रही सर. देयर आर ओनली सिक्स सो फार. Okay. One more brief revision of what we have done. In this chapter, first I told you what are the various assumptions in the kinetic theory of gases. Assumptions ke baad, we have done the three definitions. Mean velocity, mean square velocity, root mean square velocity. All right. Root mean square velocity ka formula jaan rakha. Kya tha formula par? Idhar jagah hai. Yes, yahan pe hai. Iska formula tha C equal to. Anybody knows the formula? रूट ऑफ क्या था? C1 square plus C2 square plus dot A plus Cn square upon n. ये था फॉर्मूला इसका. रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वेलोसिटी का. ये मैंने अलग से लिखा है. उसके बाद हमको बोला गया था डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस. प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस तो उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले एक डायग्राम बनाया था ये वाला. इसमें ये था क्यूबिकल कंटेनर. ये क्या था? कौन सा कंटेनर था ये? जीतू कौन सा कंटेनर था ये? जीतू आर यू देयर और नो? यस नो बोल कुछ तो बोल. यस सर. यस सर. हाँ तो ये कौन सा कंटेनर था? क्यूबिकल कंटेनर. कौन सा कंटेनर था जीतू? क्रिटिकल कंटेनर. क्रिटिकल नहीं क्यूबिकल. क्या क्रिटिकल कंटेनर क्या होता है? कंसीडर क्यूबिकल कंटेनर इन विच एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस बी एनक्लोज्ड लेट द साइड ऑफ द क्यूबिकल कंटेनर बी एल लेट स्मॉल एम इक्वल टू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल. जो जितने एन मॉलिक्यूल है ना हर एक का मास छोटा है. देयरफॉर टोटल मास ऑफ द गैस एम एन मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. एरिया ऑफ ईच साइड ऑफ द कंटेनर क्या होगा? एल स्क्वायर बिकॉज एल इंटू एल स्क्वायर है एंड वॉल्यूम विल बी एल इंटू एल इंटू एल दैट इज एल क्यूब. व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. मास क्या होगा? एम एन और वॉल्यूम क्या होगा? एल क्यूब. लेट अस सी वन सी टू सी थ्री लाइक दैट अप टू सी एन विद द वेलोसिटीज ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स. देयरफॉर लेट द फर्स्ट मॉलिक्यूल बी हैविंग कंपोनेंट्स यू वन वी वन डब्ल्यू. फर्स्ट मॉलिक्यूल हूज एक्स कंपोनेंट इज यू वन बी अप्रोचिंग सरफेस सिटी नॉर्मली इट विल हिट विद वेलोसिटी यू वन. नॉर्मली मीन्स परपेंडिकुलर. Therefore, we can say momentum of collision will be m into u1 क्योंकि mass तो molecule का m है. What is momentum after collision? Will be minus m u1. Why minus? Why minus anyone? Minus क्यों किया? So direction. Yes, direction change. Therefore, change in momentum of molecule, final momentum minus initial momentum minus m 2 m u1. What is change in momentum of surface CD? Will be opposite of minus 2m1. That will become plus 2m1. After hitting molecule CD, molecule will travel to AD. And again come to CD. Total distance travel, kitna ho jayega? How much distance will it travel before it collides with CD? Once again, CD se takrane ke baad AD pe jayega L distance. Wapas AD se CD ki aur aayega L distance. What is the total distance travel before it collides once again? Bolo, bolo. Ushna, how much total distance it will travel? हाँ, तुम क्या नींद में हो क्या? No sir. CD से टकराया, CD से टकराने के बाद AB की ओर गया, फिर AB से वापस CD की ओर आया. Total distance कितना travel किया इस चक्कर में? Sir 2L. 2L, I think Ushna सो गई हो क्या तुम? Ushna, are you sleeping?
नो सर तो फिर किधर है ध्यान तुम्हारा ये सी डी है और ये ए बी है दोनों के बीच में डिस्टेंस एल है इधर से टकराने के बाद ये यहाँ पे गया फिर वापस यहाँ पे आया तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने 2L सर तो क्या तुम क्यों नहीं बोल रही हो Why are you not speaking? मैंने बोला रॉन्ग तो रॉन्ग कुछ भी बोलो लेकिन बोलो ओके विथ व्हाट वेलोसिटी डू ट्रेवल डिस्टेंस यू वन time will be distance upon velocity so time will be 2l upon u1 what is rate of change of momentum it is nothing but change of momentum upon time so to get u so we get m u1 square by l but rate of change of momentum by newton's which law is force by whose law rate of change of momentum is directly proportional to impressed force newton's second that's right who was this किसकी आवाज थी वैष्णवी वैष्णवी वेरी गुड आंसर देयरफॉर फोर्स इक्वल टू एम देयरफॉर अ फोर्स इक्वल टू एम यू1 स्क्वायर देयरफॉर व्हाट इज फोर्स बाय सेकंड मॉलिक्यूल देयर इज एम यू2 स्क्वायर बाय टोटल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन बिकॉज़ इट इज यू1 इज पैरेलल टू एक्स दिस प्लस दिस प्लस लास्ट मॉलिक्यूल एम यू1 स्क्वायर बाय एम बाय एल कॉमन लिए ये तो मेरे लिए व्हाट विल बी एफ आई एम बाय एल यू के बदले वी एफ जेड V के बदले W. अरे ये तो मैंने अभी लिखा है just for your information. But we are not interested in force. We are interested in what? We are interested in what? Tell me. हमको interest किस में है? Force में या pressure में? आलोक हम लोग force के लिए काम कर रहे हैं pressure के लिए? विधि, माज? So pressure. Nobody. Nobody's interested. Huh? The pressure. Pressure. What is pressure ka formula? Pressure we know is force upon area. Px kya hoga? Maybe Fx upon A. Area is L square. Therefore, what is Px? Will be 1 upon L square into Fx. Fx is? U1 square plus U2 square plus dot A plus UN square. Therefore, PX kya hoga? M by A cube plus dot A plus. Similarly, PY kya hoga bolo? Kya likhu PY mein? U1 ke badle kya likhu? कोई तो बोलो यार प्लीज सो वी वन या दैट्स राइट वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस डॉट ए प्लस पी एन स्क्वायर सिमिलरली व्हाट विल बी पी जेड एम बाय एल क्यूब डब्ल्यू वन स्क्वायर प्लस डब्ल्यू टू स्क्वायर प्लस डॉट ए प्लस डब्ल्यू एन स्क्वायर बट कौन मुझे बताएगा प्रेशर कौन से डायरेक्शन में सबसे ज्यादा होता है एक्स में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है मॉलिक्यूल को वाई में या जेड में मॉलिक्यूल कहां ज्यादा मारना चाहते हैं एक्स वाई या जेड में कहां ज्यादा ठोकना चाहते हैं मॉलिक्यूल कौन से सरफेस को में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है मॉलिक्यूल ट्रेवल या प्रेशर इज सेम मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं इधर उधर तो सब जगह सेम डायरेक्शन में जाते होंगे बट px equal to py equal to pz let us say p हमने को इस पे इंटरेस्ट है p में डाल therefore tell me can I say p plus p तीन बार p लिखा तो पहले p के बदले px दूसरे p के बदले py तीसरे p के बदले pz ये तीनों को ऐड कर रहे हैं ये तीनों this plus this plus this can I take m by l cube common ये तीनों में देखो m by l cube है और यहाँ पे क्या करूं ये सब प्लस ये सब प्लस ये सब तो ये तीनों को साथ में ऐड करता हूं तो व्हाट विल आई गेट u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर प्लस डॉट ए प्लस un स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर प्लस wn स्क्वायर ऑलराइट
And therefore, 3p equal to m by a cube into, what is this? ये क्या है? u1 square plus v1 square plus w1 square, क्या है? c1 square plus c2 square plus cn square. But then इसको मैं अगर square करूँ दोनों बाजू में, तो ये root चला जाएगा. Anybody can tell me if using this formula, this can be replaced as what? This enter. Anyone? ये formula का use कर रहे हैं. I want to remove this and I use this and write this. क्या लिखूं? क्या लिखूं? Anyone tell me? Hussain Dagina, Bargesh, Vidhi Bhatt. अरे इसको use कर रहा है, इसको भी हटा देना, इसको भगाना है. C1 square. Sir, is it C square n? That's right, Hafiz. N into C square. देखो मैं इसको use करके. And therefore, मेरे पास है लिखने के लिए. Therefore, 3p equal to mn upon a cube into C square. What is small m into capital N? What is small m into capital N? इसके बदले क्या लिखूं? Small m into capital N के बदले. Small m into capital N के बदले क्या लिखूं? So capital M. आपको जो लिखना है लिखो, आपको परेशान मत करो. It is nothing but only one student is giving answer and that is Afif. L cube के बदले क्या लिखूं? L cube. L cube के बदले क्या लिखूं? Capital V. That's right. Capital V is what, Ushna? What is capital V stands for? So volume of gas. That's right. What is mass upon volume? What is the mass density upon volume? Density. That's right. Therefore, 3p equal to rho c square, and therefore p equal to 1 upon 3 rho c square. Ek board mein pura derivation maine kar diya aakhir. So ye khatam ho gaya derivation of pressure of an ideal gas, which is very important from exam point of view. Dekho ek bar fir se maine yahan tak kar diya tha. We know pressure equal to what upon what? Force upon area. And therefore px will be what? Fx upon a. Area to l square hai, sab taraf ka l square hai. Area ke badle likha maine l square. Therefore px will be 1 upon l square. Fx ke badle agar ye rakh do, ye fx ke badle ye m by l into u1 square plus u2 square. Ye dekho, what is l square into l? L cube. Ye ph ke khatam hua. What is py? M by l cube into, yes sir. What is pz? M by l cube into what, sir? Khali u ke badle b, y ke term pe, aur v ke badle w, z ke term pe. Baki sab kuch same. But we know one thing, gas exerts equal pressure in all direction. कभी ऐसा थोड़ी होता है ये साइड के कंटेनर में मॉलिक्यूल को ज्यादा इंटरसेप्ट, सब बोलते चल यहाँ पे मारते हैं आज, ऐसा नहीं है. मॉलिक्यूल विल एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन. ओके, देयरफॉर पीएक्स इक्वल पीवाई इक्वल पीजेड इक्वल टू पी, से देयरफॉर पी प्लस पी विल बी व्हाट? पीएक्स प्लस पीवाई प्लस पीजेड, दैट इज एम बाय एल क्यू इनटू, ये सबको ऐड करना है तो मैंने इन तीनों को ऐड किया, u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w, फिर इन तीनों को ऐड किया u2, ये तीनों को, फिर ये तीनों को ऐड किया. ऑलराइट, इसके बदले मैंने यूजिंग दिस फॉर्मूला आई एम राइटिंग c1 स्क्वायर, इसके बदले आई एम राइटिंग c1 स्क्वायर, इसके बदले आई एम राइटिंग c2 स्क्वायर, और लास्ट वाले के बदले आई एम राइटिंग cn स्क्वायर. बट अफीफ राइटली सेड डेफिनेशन ऑफ आरएमएस वेलोसिटी गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू रिमूव दिस एंड राइट n इनटू c स्क्वायर और c स्क्वायर इनटू n, व्हाटएवर यू से, वन एंड द सेम. So 3p equal to m upon l cube into n c square. Therefore 3p equal to small m into capital N upon l cube into c square. What is small m into capital N? Capital M. L cube ke badle volume. Rightly told by Ushna. C square. Therefore 3p equal to rho c square. Therefore p equal to 1 upon 3 rho c square. That's the final formula which you have to learn by heart. Acha, abhi ek compulsory kaam de raha hu. All the students will have to
सबमिट फॉर्मूलास के पेपर खींच खींच के मेरे को फोटो भेजना है, जितने फॉर्मूले लिखे हैं आपने, कंपल्सरी एवरीबडी हैज टू डू दैट. आलोक गुप्ता, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आलोक? यस सर, यस सर, यस सर. दागीना? ओ दागीना, यस सर. एवरीबडी, मुर्तजा? यस सर. हाँ, ओके. तो एक बार मैंने देखो फोटो खींच के भेजा, एक बार गो थ्रू कर लो फटफट फटफट. Will you write along with me? Title लिखो revision. कुछ formula जो कि मैं दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे. Revision लिखो, title लिखो revision. उसके बाद में लिखो number one. ये सब आता भी होगा आपको. What is the ideal gas equation? Anyone knows? Anyone who knows ideal gas equation, chemistry wala? PV is equal to nRT. That's lovely answer. Very good answer, Vaishnavi. Vaishnavi too. Ushna. Achha, Ushna thi. Okay, Ushna. Lovely answer. Well, n chota n kya hai? What is chota n? Ushna, chota n kya hai? Sir, number of moles. That is right. कैपिटल आर क्या है? तुम नहीं बोलोगे कोई और बोले. हाँ, क्या चलेगा बोलो. कांस्टेंट. दैट्स रॉन्ग. और बेटर आंसर? गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल. और बेटर आंसर? नो, रॉन्ग. प्रॉपर आंसर. अस्का, अस्का जीतू, कैपिटल आर क्या होता है? कैपिटल आर उसका पूरा नाम है यूनिवर्सल गैस कॉन्सेंट. गैस कॉन्सेंट नहीं, यूनिवर्सल गैस कॉन्सेंट. जैसे कैपिटल जी क्या था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्सेंट था ना. सर, आई सेड यूनिवर्सल द थर्ड टाइम. थर्ड टाइम बोली थी तुम? अच्छा, मैंने सुना नहीं था. ओके ओके ओके, सॉरी, आई डिड नॉट लिसन टू इट. वेरी गुड आंसर. ओके, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखते जाओ मेरे साथ. लिखो मेरे साथ साथ लिखो. Total number of molecules equal to number of moles into Avogadro's number. And therefore, capital N equal to small n into. अब इसका सिंबल क्या बनाऊं? ये आपकी नई बुक में दिया है, n is a, तो n n into. Number three. Number of moles is nothing but mass upon molecular weight, or number of moles equal to number of molecules upon Avogadro's number, where MO means
molecular weight. MO equal to 2 for hydrogen, 4 for helium, 28 for nitrogen, 32 for oxygen. ये जरा ध्यान रखो, physics में इतने काम आएंगे. Number 4. Have you heard of this constant called Boltzmann's constant? सुना है किसी ने? प्यारे बच्चों, anyone has heard of this? No, sir. तो ये पहली बार एक फॉर्मूला ध्यान में रखो, equal to R upon Na, ये ध्यान में रखना, और R equal to KB into Na. Please learn by heart this formula. Since PV equal to NRT, so that is equal to small n ke badle, I can write the R ke badle, I can write KB into N. देखो एक बार उदाहरण मार देता हूं. देखो आइडियल गैस इक्वेशन है, आप सभी को पता ही है, P equals to NRT. टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर. कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स एन, अवोगाड्रोस नंबर एन. इफ एन इज वन, यू नो वन मोल ऑफ गैस इट कंटेन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अवोगाड्रोस नंबर. तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर. Number of moles is mass of the gas upon molecular weight or molecular mass. Or number of moles is total number of molecules upon Avogadro's number. Alright. Now, Boltzmann's constant by definition is nothing but universal gas constant upon Avogadro's number. Or if you cross multiply, then so R equal to KB into NA. We know PV equal to NR, the R ke badle chare KB into NA. So PV will be equal to N into KB NA into T. KB NA into T. I hope that's clear. You know what is an ideal gas? Tell you general knowledge, bada raha hu. And what is an ideal gas? That follows the three laws. That follows the three laws. Or better answer? Or better answer? This is right answer. 50% right. 50% right. We believe 50%. Anyone? So say the name of the three laws. No. At all temperature and pressure. So as a title likho, ideal gas ke paas likho. As a title likho, ideal gas. A gas which obeys all the gas laws. A gas which obeys all the gas laws. At all temperatures and pressures. With all gas laws at all temperature and pressure is called ideal gas. It's called ideal gas. Phir iske baad next line mein likho. Real gases behaves as ideal gas. Real gas behaves as ideal gas. Only at high temperature and low pressure. ये result ध्यान में रखना. अगर real gases अगर high temperature पे pressure कम है तो they act like an ideal gas. Real gases behaves as ideal gas only at high temperature and low pressure. देखो अबे ना मैं photo खींच के भेजने वालों मेरी खाली बात ध्यान से सुनो. What is mean free path?
ग्रीन फ्री पाथ के बारे में मैंने ऑलरेडी while explaining what you know, while explaining the assumptions बताया था. सपोज ये एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ये सब मॉलिक्यूल्स हैं. Molecules will have to travel certain distance before they collide. So average between two successive collisions is called mean free path. टकराने के पहले दो बार जो travel किया ना उसका average is called mean free path. अब है ना mean free path suppose lambda से denote करो. Remember lambda का relation is inversely proportional to density. आप बोलेंगे sir question. आप जरा बोलेंगे explain करो कि how mean free path is inverse. मतलब density अगर ज्यादा तो mean free path कम. डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो डोंट यू एटलीस्ट सम मॉलिक्यूल पास पास में होंगे. डेंसिटी यानी डेंसिटी ज्यादा कब होती है जब वो सब मॉलिक्यूल एकदम डेंस होंगे पास पास में होंगे. तो डू यू एग्री ऑब्वियसली डिस्टेंस ट्रैवल्ड में भी लेस. टकराने बहुत जल्दी 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 टक्कर होगी तो मीन फ्री पाथ विल बी लेस. एंड लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ द व्हीकल और डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल. ये सपोज छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, दे विल ट्रैवल सर्टेन डिस्टेंस एंड डिस्टेंस विल बी लार्ज. बट सपोज मॉलिक्यूल ही बड़ा है तो दे विल ट्रैवल वेरी स्मॉल डिस्टेंस. देयरफॉर लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर. ये अपने कॉमन सेंस से ध्यान रखो. इसका मैं फोटो खींच के आपको भेजूंगा दिस पार्ट. और लैम्डा का एक फॉर्मूला है जो की विदाउट डेरिवेशन है जो की आपको लर्न करना है. इसको काफी यूज करते हैं नीट्स गेट अपनी के टाइम पे. रूट टू पाई डी स्क्वायर number of molecules per unit volume n by n. ये मैं दूंगा, ये लर्न बाय हार्ट का फॉर्मूला शीट पे आना चाहिए. आज सभी के फॉर्मूला आने चाहिए मेरे को शाम को 6 बजे के पहले. और मुझे पता है अफीफ और उष्णा तो भेजने ही वाले हैं. अफीफ उष्णा कोनन कुरेशी आलोक गुप्ता ये लोग का तो नक्की 100% आएगा. एवरीबडी हैज टू डू. मुर्तजा आर यू लिसनिंग और नो? यस सर. ओम मिस्त्री ओम यस नो. प्रिशा शेट्टी चलो इसके बाद एवरीबॉडी आज शाम को 6 बजे के पहले सारे फॉर्मूले होने चाहिए ग्रेविटेशन चैप्टर से स्टार्ट होके या आज तक के जो जो फॉर्मूले होंगे वो सब. अच्छा इसके बाद यू कैन राइट ऐसा लिखो show that kinetic energy of gas three by two PV or three by two NRT. What is P pressure formula? प्रेशर का क्या फॉर्मूला अभी अभी डिराइव किया मैंने. कोनन कुरेशी प्रेशर फॉर्मूला जो डिराइव किया बोल. प्रेशर फॉर्मूला क्या डिराइव किया कोनन कुरेशी? नींद से जागो. देखो अनम्यूट भी नहीं कर रही अपने आप को. माज ओ माज But we want kinetic energy of the gas multiplied by half on both sides. But half mc square is nothing but total kinetic energy of the gas E. But PV equal to nRT. Therefore, total kinetic energy of the gas. Copy this down along with me.
देखो मैं बताता हूँ एक बार फिर से समझ लो, कॉपी कर लिया? ऐसा करो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइटल इक्वेशन, मिटा दो इसको, इसको मिटा दो। उलन कुरेशी आर यू देयर और यू आर स्लीपिंग? यस नो तो बोल, कौन है कुरेशी, से यस और नो। क्या सोना है? अच्छा सो जा सो जा। अरे मैं हूँ लेक्चर में। अरे क्या लेक्चर में है, ऐसे थोड़ी होता है कोई, तुम बोलते नहीं हो सर, टीचर बोलता रहता है कोनन कोनन कोनन, स्टूडेंट इज नॉट इवन अनम्यूटिंग हरसेल्फ। आई डोंट लाइक दिस, नहीं आता है ना बोलो सर मेरे को नहीं आ रहा, आ रहा है मुझे नहीं आ रहा है, ऐसा बोल दो। ओके डिराइव एक्सप्रेशन फॉर number one kinetic energy per mole, number two kinetic energy per molecule, kinetic energy per unit mass, kinetic energy per unit volume. तो फॉर्मूला डिराइव करना है, लिखते जाओ मेरे साथ साथ। व्हाट इज इक्वल टू 3/2 एनआरटी, अभी डिराइव किया था ना, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी पर मोल पी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, that is 3/2 nRT upon n, and n gets cancelled. Therefore, kinetic energy per mole ka formula hai 3/2 RT. Khalas. Is the formula sheet mein aana chahiye, or I am going to ask all the formula. Ye formula learn by heart. Agar maine bola, tell me formula for kinetic energy per mole. आपको आंसर देना है 3/2 RT। रितिका प्रसाद, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी पर मोल? रितिका प्रसाद, रितिका आर यू देयर और यू आर स्लीपिंग? गई, ये भी गई, नए नए बच्चे आके भी। पर मॉलिक्यूल 3/2 एन आर टी, डेफर ई बाय एन, बाय एन, एन के बदले एक अंदर एन इंटू एन ए 3/2 आर अपॉन एन ए इंटू टी। KB into T. What is KB? KB kya hai? KB? Anyone? Who can tell me KB ka matlab? KB ka matlab kya hai? Sir, Boltzmann. Boltzmann constant. That is right. That is right. Hey, Ritika Prasad, are you there or you are not there? Yes, sir. Kya? So gayi ho kya? Sir, aapka voice break ho raha hai. सबको ब्रेक हो रहा है, एवरीवन इज फीलिंग दैट, अफीफ
No, sir, it's proper. It's proper. Na? Okay, uske network mein problem hai. Okay. Then number three. Kinetic energy per unit mass. Equal to 3 by 2 nRT. Therefore, E by M, total mass. 3 by 2 nRT upon N into MO. मैंने फॉर्मूले दिए ना अभी अभी वापस से एन एन गेट्स कैंसल देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास मैं वापस से रूलर मारूंगा डोंट वरी आई एम गोइंग टू रिपीट ईच एंड एवरी स्टेप रूलर के ऊपर मारने वाला हूं मैं तुम लोग ध्यान से देखते जाओ बस नंबर फोर्थ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम E by V. Pehle E. What is E? Is par PV bhi lete hain. Therefore, E by V will be 3 by 2 PV by V. This is one of the answers of kinetic energy per unit volume. And second, this is first. And second, 3 by 2 nRT upon V. Volume is nothing but mass upon density. Mass upon density. Density ko upar le gaya main. Aur mass ke badle kya likhu? N times M0. And N gets cancelled. This is a formula learned by you. Five formula. Look, you have to write formula sheet. What are the answers? This, 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 and this. Lal se design mara hai maine. Lal se. Hamare paas samay ki bahut kami hai. Less than 1 minute. ये copy कर लो पहले, फिर मैं ऐसे रखूँगा, एक बार repeat करूँगा next time. But मुझे active participation नहीं मिल रहा है class में. तुम लोग जितना मजा interest लोगे उतना teacher को पढ़ाने में मजा आएगा. सबका formula शाम को 6 बजे तक आना चाहिए. Is that clear? Konan Qureshi? Yes, no? Yes, sir. हाँ यार रोते रोते बोलती हो हमेशा हंसते हंसते बोलो एकदम चीयरफुल वॉइस में बोलो रितिका अपना ये चेंज करो हाँ अपना नेटवर्क सुधारो रितिका